आज के टाइम पे YouTube दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तकरीबन 2.1 बिलियन लोग YouTube को यूज कर रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर 100 लोग YouTube पे कंटेंट देख रहे हैं तो उसमें से 70% से ज्यादा लोग व्लॉग्स देखते हैं, और इस 70% में से 8% व्लॉगर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं, यानी अपनी वीडियोस में नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, और बाज व्लॉगर्स ऐसे हैं जो हिस्टोरिक लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और बाकी 62% व्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि एक निहायत वाहियात और फालतू किस्म के कंटेंट बना रहे हैं, जिनके अंदर वो बेगैरती की हद पार कर रहे हैं, जिनको हम हर रोज लाखों करोड़ों की तादाद में देखते आ रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कि व्लॉग्स इज 5x मोर एडिक्टिव देन अल्कोहल, यानी अगर अल्कोहल आपको फिजिकली डैमेज करती है तो व्लॉग्स आपको मेंटली डैमेज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह ये सो कॉल्ड व्लॉगर्स हमारी न्यू जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और किस तरह ये आपकी मेंटल हेल्थ पर इम्पेक्ट डाल रहे हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्लॉग्स होता क्या है। अपनी या किसी दूसरे की लाइफ को दिखाना या अपने थॉट्स या ओपिनियंस वीडियोस के जरिए लोगों के सामने रखना, शेयर करना, इसे व्लॉग वीडियोस कहा जाता है। अब व्लॉग्स की शुरुआत कब हुई? अगर हम हिस्ट्री को रिवाइंड करें तो ऑलमोस्ट 2000 में एडम कॉन्ट्रस ने 15 सेकंड का एक क्लिप बना के इस व्लॉग को इंट्रोड्यूस करवाया था, और आज 2024 में जब USA में एक रिसर्च की गई जिसमें 1000 बच्चों को सामने रखा गया, तो उनसे जब पूछा गया कि वो आगे जाके फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे, तो उनमें से 29% से ज्यादा बच्चे यह चाहते थे कि वो बड़े होकर व्लॉगर्स बनेंगे, और वो भी एक लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं जैसा कि ये सब व्लॉगर्स गुजारते हैं। यानी कि आजकल बच्चों का एजुकेशन की तरफ रुझान ही नहीं है, क्योंकि इन सो कॉल्ड व्लॉगर्स ने इनका माइंड चेंज किया हुआ है। ये किस तरह इन बच्चों की माइंड्स को मैनिपुलेट करते हैं, इस वीडियो को गौर से देखिए। क्या बन रहा है भाई, मैं बताता हूँ सारी चीजें पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये मैंने पढ़ लिया सारा, ये जिंदगी में कभी काम नहीं आएगी, ये ले पढ़ लो। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्कूल यूनिवर्सिटी छोड़ दो आप, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इसको प्रायोरिटी चेंज कर दो, आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो। आप अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं आएगी ये चीजें। इस वीडियो में ये साहब कह रहे हैं कि ये किताबें मैंने पढ़ी हैं, इससे कुछ नहीं होगा, और कसम उठा के कह रहा है कि एजुकेशन कभी भी आपके काम नहीं आएगा। देखिए भाई, खुद तो आप पढ़े लिखे हो नहीं, गजब बेइज्जती है। तुम्हें क्या पता कि एजुकेशन हमारी लाइफ में क्या मायने रखती है? खुद भी पढ़ाई पूरी नहीं की, ऊपर से यूथ को भी गलत रास्ता दिखा रहे हो। यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनना छोड़ दो, आओ तुम भी मेरी तरह बीवी को दिखाओ और पैसा कमाओ। आज के दिन 15-16 साल का लड़का तेरी वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा वो? फैमिली को दिखाना, ऑनलाइन गालियां देना, फालतू लग्जरी गाड़ियों का दिखावा करना और एजुकेशन जैसी फील्ड को फालतू और बकवास कहना, ये किस तरह का कॉन्टेंट आप बना रहे हो? मुझे तो तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर तो बहुत तरस आता है कि किस तरह का काम तुम कर रहे हो पैसा कमाने के लिए। ये बिल्कुल लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट लेवल का काम जो होता है कि अपने बीवी और फैमिली को दिखाना और यहीं से आपका इनकम भी आ रहा है, ये बहुत डिसग्रेसफुल और बेगैरती वाला काम है। इस डकी बाई की एक और वीडियो कुछ समय पहले काफी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने ट्रेंड किया था, पर इसमें इस बंदे का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। अगर आज इतने व्यूज इसको मिल रहे हैं और इतने चाहने वाले हैं, इसकी इस हरकतों को पसंद कर रहे हैं, तो ये चीज क्या दिखाती है कि कंटेंट क्रिएटर का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या वाहियात चीजें ट्रेंड कर रही है। मतलब डकी बाई ने ट्रेंड करा ली है तो ये ट्रेंड है। और इन्ही वीडियो से आवाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस वीडियो को देखिए। बाल ही कटवा देगा, ने कटवाया ना, उसे तुम्हें देखना भी नहीं, उसे पता भी है। मतलब इतना ही लड़की पता नहीं फैन है इसकी या क्या है, इतना इसकी मोहब्बत में गिर चुके हैं कि उसने अपने ही ट्रेंड करा ली। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बुरा असर पड़ रहा है हमारे यूथ पर इनकी वीडियोस से, और हम फिर भी इनको व्यूज पे व्यूज दे रहे हैं। ना तो कोई हमारे न्यू जनरेशन को रोक रहा है, ना समझा रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों देख रहे हो इस वाहियात किस्म का कंटेंट। एक और व्लॉगर जिनका नाम मास सफदर है, इस साहब ने भी अपनी बीवी और फैमिली को दिखा दिखा कर बड़ी फेम हासिल की है और काफी पैसा भी कमा लिया है। हत्ता कि इन्होंने इन्हीं व्लॉग्स की कमाई से एक रेस्टोरेंट भी खोला है। एक होता है कि बंदा फैमिली कंटेंट बनाता है, इन्होंने अपनी फैमिली को ही कंटेंट बना लिया है। कंटेंट इज द मोस्ट ओवररेटेड वर्ड इन दिस कंट्री, एंड मुझे तो ऐसा हर किसी को कंटेंट कंटेंट, देयर इज नो सच कंटेंट। कंटेंट क्या है, घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, मतलब क्या है, सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पांव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग, मैं तो ये देखता हूँ।
आमतौर पर अगर किसी के यहाँ बच्चा हो कि मुबारक हो बेटा या बेटी हुए है, लेकिन इनके यहाँ अगर बेटा हो तो डॉक्टर कहते हैं कि मुबारक हो कॉन्टेंट हुआ है, क्योंकि आमतौर पर ये हर व्लॉग्स अपने बेटे के नाम पर बना रहे हैं। कभी कहते हैं कि बासिल की वजह से हम सब का रोजा टूट जाता, कभी कहते हैं कि बासिल बीमार हो गया है, तो कभी कहते हैं कि बासिल ने टट्टी की है। इनका व्लॉग फैमिली से स्टार्ट होता है और फैमिली पर खत्म होता है, और यही सेम कंटेंट ये चार बहने, पता नहीं ये पांच ये कितने हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये भी ये सेम कंटेंट बना रहे हैं। सेम आइडिया, सेम बेगैरती, सेम बकचोदी इनकी व्लॉग्स में भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर किसी से पूछे कि क्यों तुम इस वाहियात किस्म का कंटेंट देखते हो, तो कहता है एंटरटेनमेंट के लिए। अबे एंटरटेनमेंट की ऐसी की तैसी, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो तुम्हारे माइंड्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखा दिखा कर। और फिर होता क्या है कि मैं भी इस वाहियात किस्म का कंटेंट बनाना चाहता हूं, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूं। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि यह सब पाकिस्तान में किस तरह बढ़ गया। 2022 में ये चीज स्टार्ट हुई थी, और जितने भी हमारे व्लॉगर्स है जो अभी डेली व्लॉगिंग करते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। डेली व्लॉगिंग इतना इजी है, सिर्फ आपके पास 2-3 लोग होने चाहिए। इसमें सिर्फ आपको सेल्फ रिस्पेक्ट होनी है, एक तो आपकी वाइफ होनी चाहिए, वाइफ नहीं तो आपकी बहन होनी चाहिए, माँ होनी चाहिए, इसके बाद आपके पास थोड़ा सा पैसा होना चाहिए दिखाने के लिए, फिर आपके पास सबसे जरूरी चीज आपके पास बेगैरती होनी चाहिए। अब अगर आप बेगैरत होते हैं सही वाले, तो आप एक अच्छे व्लॉगर बन सकते हैं। अब ये जितने भी व्लॉगर्स आप देख ले, ये क्या करते हैं, इनकी फैमिली में कोई शादी आ गई है तो इनके लिए सबसे अच्छा कॉन्टेंट होता है, और शादी के इनके जितने भी व्लॉग्स होते हैं वो मेरे ख्याल में ट्रेंडिंग वन में होते हैं, और ट्रेंडिंग वन में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि आप लोग इनको देखते हो। और ये सब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, इंडिया, बांग्लादेश और भी कई ममालिक है जिनका यही हाल है। इंडिया में अगर देखो तो लोग ध्रुव राठे और एल्विश यादव का कंपैरिजन कर रहे हैं। अमीर इनको क्या ही बोलूं, ध्रुव राठे और एल्विश यादव में जमीन आसमान का फर्क है। ध्रुव राठे एजुकेशन को लेकर वीडियोस बनाते हैं, तो वही एल्विश यादव अपनी वीडियोस में गाली गलोच, लग्जरी गाड़ियों का दिखावा करना और हुक्के के एड को प्रमोट करना इनकी वीडियोस में शामिल है। अब सिंपल सी बात है कि ध्रुव राठे को एजुकेशनल लोग सपोर्ट करते हैं, वही एल्विश यादव को चपरी लोग सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्लॉगर्स वीडियो बनाना छोड़ दे, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग इनके व्लॉग्स देखना छोड़ दे, आप इनके व्लॉग्स मत देखो, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। आपको क्या लगता होगा कि यार ये इतना कमा रहे हैं, हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है? ये तब होता है जब एक कौम मर चुकी होती है, वो कौम नहीं होती, वो सिर्फ एक हुजूम होता है। ये 1947 से सिर्फ एक हुजूम ही है, जिसकी वजह से हम आज तक इधर उधर टोकरे खा रहे हैं। अब हम लोगों ने इनको इंस्पिरेशन बना लिया है, इवन के लोग कहते हैं कि यार इस तरह का मुझे व्लॉगर बनना है। मुझे इन व्लॉगर से बस यही कहना है कि आप लोग तो वैसे ही बेगरत हो, इन बच्चों पर रहम काए। रहम क्यों काए? क्योंकि ये बच्चे आपको देख के इंस्पिरेशन पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डेली व्लॉगिंग देखने के शौकीन हैं, तो आज से आप इनको देखना छोड़ दें और अपनी जिंदगी और अपने फ्यूचर पर फोकस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।